कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अब तक भारत ने 9 गोल्ड अपने नाम कर लिए हैं। इस मेडल टैली में एक और इजाफा करने के लिए कल भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही थी, लेकिन कल के मुकाबले में न भारतीय टीम हारी न ही ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय टीम को हराया, बल्कि अधिकारियों ने या कहें अधिकारियों की गलती से भारतीय टीम ये मैच हार गई। हम आपको पूरी कहानी समझाएंगे, लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर कॉमनवेल्थ गेम्स से भारतीय महिला हॉकी टीम का सफर कैसा रहा। गोलकीपर सविता पुनिया की कप्तानी वाली भारतीय टीम ग्रुप में 4 में से 3 मैच जीतने में सफल रही थी। उसने घना को 5-0, वेल्स को 3-1 से हराया था। वहीं अपने आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने कनाडा को 3-0 से मात दे दी थी। भले ही भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैच हार गई हो, लेकिन 9 अंकों के साथ भारतीय टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज रही थी और सेमीफाइनल में जगह बना चुकी थी। दूसरे नंबर पर काबिज होने के बाद भारतीय टीम को पूल बी की टॉप टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल मुकाबला खेलना था। ऑस्ट्रेलिया वो टीम थी जिसने पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में एक भी गोल नहीं खाया था। भारतीय टीम के लिए चुनौती बड़ी थी, लेकिन हर चुनौती से गुजरने के लिए भारतीय टीम तैयार थी। मैच शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने पहले क्वार्टर में ही भारतीय टीम पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। कंगारू टीम ने लगातार भारतीय टीम पर काउंटर अटैक किया और 10वें मिनट में ही रेबेका ग्रेनियर ऑस्ट्रेलिया के लिए गोल दाग दिया। भारतीय टीम को कई मौके मिले, लेकिन उसका फायदा टीम उठा नहीं पाई। पहले क्वार्टर के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम पर 1-0 की बढ़त बना ली थी। दूसरे क्वार्टर में भी ऑस्ट्रेलिया भारत पर हमला तेज कर रहा था, लेकिन ना ही ऑस्ट्रेलिया टीम अपने गोल में इजाफा कर पाई और ना ही भारतीय टीम अपना खाता खोलने में कामयाब रही। बारी आई तीसरे क्वार्टर की। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहतरीन रही, उन्होंने काउंटर अटैक जारी रखा, लेकिन उन्हें कई शॉट भी मिले। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान गोलकीपर सविता पुनिया और भारतीय डिफेंस के आगे ऑस्ट्रेलिया की एक ना चली और तीसरे क्वार्टर में भी स्कोर 1-0 पर रुका हुआ था। बारी आई चौथे क्वार्टर की और भारत ने वो किया जिसकी सब शुरू से उम्मीद कर रहे थे। इस बार भारतीय टीम आक्रामक दिख रही थी। भारतीय खिलाड़ी लाल रेमियासियम्मी ने गेंद को गोल पोस्ट पर डाला, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने गोल कर भारत को 1-1 की बराबरी दिला दी। भारतीय टीम ने आखिरी कुछ मिनट में भी काउंटर अटैक जारी रखा, लेकिन कामयाब न हो सकी और पूरे 60 मिनट के बाद गेम 1-1 पर बराबर रहा, जिसके बाद बारी आती है शूटआउट की। लेकिन शूटआउट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। शूटआउट शुरू हुआ, पहला मौका ऑस्ट्रेलिया को मिला और अम्ब्रेसिया मेल ऑन स्ट्रोक लेने गई। भारतीय कप्तान सविता ने शानदार अंदाज में गोल को बचाया और ऑस्ट्रेलिया के हाथ निराशा लगी, मगर कहानी में ट्विस्ट यही आता है। शॉट कंप्लीट होने के बाद पता चला कि मैच के अधिकारी घड़ी को ऑन करना ही भूल गए थे, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी का शॉट अमान्य हो गया। ये वैसे ही जैसे क्रिकेट में कभी बॉल को डेड करार दिया जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को दोबारा स्ट्रोक लेने के लिए कहा गया और बिना कोई गलती किए स्ट्रोक दाग दिया गया। इससे न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टीम 1-0 से शूट आउट में आगे हो गई, बल्कि भारतीय टीम पर मानसिक तौर पर भी दबाव बन गया। इस दबाव के चलते भारतीय टीम बिखर गई और शूट आउट 0-3 से हार गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग टीवी चैनल्स पर फैंस और एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि अगर अधिकारियों से गलती ना होती तो भारत पर मानसिक तौर पर इतना असर ना होता और शायद मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। इससे पहले भी टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम ने 40 साल के लंबे इंतजार के बाद मैच जीता था। भारत ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दे दी थी और इस मैच में भी आखिरी टाइमर को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद जर्मनी को एक्स्ट्रा पेनल्टी शॉट मिला, भले ही जर्मनी उसका फायदा नहीं उठा पाई, लेकिन लगातार अधिकारी बड़े मैचों में ऐसी गलतियां करते रहते हैं, इसका खामियाजा सामने वाली टीम को भुगतना पड़ता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए #भारतन्यूज को और बेल आइकन को दबाना न भूले।